आप देखें कि ये पानी आ रहा है खाले से, ये हमारे खेतों को सराब करने के लिए पानी आ रहा है। ये नहरी पानी है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये गदला है। अगर ट्यूबवेल का पानी होता तो वो बिल्कुल साफ होता, ये नहरी पानी है और नहरी पानी भी इतना ज़्यादा गदला नहीं है। बाहर का तो इतना गदला पानी आता है कि इसे जो है वो देखना भी, उसे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको बार बार खजूरों की दिखाता हूँ, ये हर वीडियोस में जो है ना वो खजूरें आ जाती हैं। भाई खजूरें हैं इतनी, अब सामने आ जाती हैं तो दिखानी तो पड़ती है ना, ठीक है। आपको अगर मेरी पुरानी वीडियो नहीं दिखी तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जो इन खजूरों से मैं कभी खजूर तोड़ कर खाया करता था, तो वो वीडियो मेरी काफ़ी चली। तो जब खजूरें जहाँ भी निकले सामने जो है ना वो खजूरों के दरख्त तो आ जाते हैं, तो अंदर फिर दिखाने पड़ जाते हैं। ये जनाब देखें, ये मुरंगा का दरख्त है और ये ज़मीन में हमने, ये ज़मीन है जनाब हमारी, यहाँ हल चलाए हुए हैं। और रात को मैंने अबू जी से पूछा था कि यहाँ क्या काश्त करनी है, वो कह रहे थे कि यहाँ पर मकई काश्त करनी है। वैसे आजकल कपास भी काश्त हो रही है, पिछले 4-5 साल से कपास काश्त बिल्कुल ना होने के बराबर थी, लेकिन इस साल जो है मैंने देखा है कि पाकिस्तान में, पंजाब में, हमारे एरिया में, जनूबी पंजाब में काफ़ी काश्त हुई है कपास। ये देखें खजूरों के दरख्त जो है ना पोशे बिल्कुल पकने के करीब है। ये छोटा सा पुल है, ये देखें हमारे गांव में इस तरह के पुल होते हैं, ये जनाब देखें। ये है जी जंतर, वो आप अंतर मंतर वो ना समझे, ये जंतर एक पौधा है जिसे भेड़ बकरियां जो है बड़े शौक़ से खाती हैं, और इसका ये जो पत्ते हैं ये बड़े शौक़ से बकरियां खाती हैं, और ये ज्वार में इसको साथ मिक्स किया हुआ है। अभी हम आगे जा रहे हैं, ये साथ में एक छोटा खजूर का पौधा है, अभी इस पर फल वगैरह नहीं लगा, हल्के लगा हुआ है वो देखें। ये देखो जनाब ये खजूर का पौधा, एक ही खोशा लगा हुआ है और माशाल्लाह बड़े मोटी मोटी खजूर है इस पर, ये देखें जी मोटी मोटी खजूर लगी हुई है, क्या बात है। ये देखें जी ये ज़मीन में हल चलाए हुए हैं। चलें जी अभी आगे चलते हैं, सुबह सवेरे गांव का इस तरह का माहौल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं और कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है किसी किस्म का कोई भी। ये देखें ये परिंदे अपने रोज़ी की तलाश में सुबह सवेरे निकले हुए हैं
और इंसान ही है कि जो सुबह सवेरे सोया हुआ होता है उसको रोजी की फिक्र नहीं होती, लेकिन परिंदे सुबह को निकलते हैं और शाम को अपना पेट भर के वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। ये ट्यूबवेल पहले भी आपको कई दफ़ा दिखाया है, अर्थात में ये कुआं है इस ट्यूबवेल का, ये भी हम आपको भी दिखा देते हैं। मेरा मोबाइल कहीं में गिर ना जाए, जनाब ये देखें इसमें पाइप भी लटका हुआ है। ये जनाब देखें चाहेगा आपको नज़र आए ना आए, ज़्यादा आगे जाना ख़तरनाक हो सकता है। और यहाँ हम पुल से क्रॉस करेंगे, ये पुल हो गई जनाब क्रॉस। और ये है जी हमारे गांव का कब्रिस्तान। आज फिर फातिहा खानी करेंगे अपने बुजुर्गों की कब्रों पर। ये आप देख सकते हैं कि ये जो कब्रिस्तान है ये हमारा ही ख़ानदान का एक कब्रिस्तान है, और ये 600-700 साल से इधर ही कब्रिस्तान है। और यहाँ पर हमारे ही ख़ानदान की जो है ना वो 95% जो है ना हमारे ख़ानदान की जो है ना यहाँ पर कब्रें आप ये हैं। और ये एक एकड़ का रकबा है, और ये देखें ये तकरीबन रकबा बचा हुआ है, ठीक है, तकरीबन 75% रकबा इसमें जो है ना वो कंज्यूम हो चुका है। ये खाला है, ये नल का खुश्क हुआ पड़ा है, और वो नल का आपको नज़र आ रहा होगा वो चल रहा है। ये बेर के दरख्त हैं, ये इसे कहते हैं जनाब वो बकायन। अभी हम कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे, जूती जो है वो मैं यहाँ पर उतार देता हूँ क्योंकि आगे जूती के साथ जाना गुनाह होता है, तो मैं आगे जाता हूँ। आपको कब्रों के साथ साथ ये दरख्त पुराने भी दिखा देता हूँ। ये शरीह से कहते हैं इस दरख्त को, इसके जो फूल लगता है उसकी खुशबू बेहतरीन होती है, जैसे कुछ परफ्यूम की खुशबू होती है। अस्सलामु अलैकुम या अहले कुबूर। ये है जी हमारा आखिरी मकाम दुनिया में। और सफ़र आखरत ये जो है ना यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है। ये जनाब बेर का पुराना दरख्त है, इस पर आपको मैं भी दिखाता हूँ कि बेर के जो है वो दरख्त लगे भी हुए हैं बेर। हम ये जो काटा हुआ आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबा हुआ करता था किसी ज़माने में, बहुत ज़्यादा लंबा हुआ करता था, ये वहाँ तक जाता था, लेकिन बहुत नीचे था। हम यहाँ पे छोटे हुआ करते थे तो उसके ऊपर जो है ना वो बैठते थे, झूले खाते थे, क्योंकि वो बड़ा वाइब्रेट करता था। आगे हम जा रहे हैं, ये सारी हमारे कम ख़ानदान की कब्रें हैं सारी। अभी मैं आगे जाता हूँ, ये देखें, ये आपको ऐसा बहुत कम मिलेगा कि ये सारी हमारे ख़ानदान की कब्रें, और ये 500-700 साल से जो है ना यहाँ पर हैं। एग्जैक्ट तो नहीं मालूम हमें तो। और ये जो हमारे हैं ना मियाँ हाफिज़ मुस्लिम, सबसे पहले जो है ना वो यहाँ इस इलाके में ये आए थे, दीन की तबलीग के सिलसिले में आए थे इधर, और फिर यहाँ पर ही उन्होंने अपना बसेरा डाला। और फिर
पहले जो है ना ये इसी तरह के जंगल हुआ करता था, जैसे ये अब आपको दिखाई दे रहा है। ये देखें जनाब, ये अभी हम फ्रंट पे आ गए हैं। ये है जी मेरी दादी की कब्र, ये मेरी दादी की कब्र है, और ये है मेरी दादी की वालदा की कब्र। मेरे दादा की कब्र थोड़ी सी आगे है, वो उस तरफ है, वो मैं ये आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर छोटी कब्रें पड़ी हैं। ये भी आपको मज़ार का, ये हमारे जद्दो अमजद हाफिज मियाँ मुस्लिम साहब, उनका फ्रंट आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये दिए वगैरह भी यहाँ पर लोग आके जला जाते हैं। और ये देखें, ये फ्रंट पे जो है ना मेरी दादी की कब्र है, बिल्कुल फ्रंट पे, साथ ही जो है ना, और दरवाज़ा लॉक नहीं है। हम अंदर जाते हैं और फातिहा खानी करते हैं पहले। ये जी हम दार से बाहर आ चुके हैं और अभी इसको दरवाजे को बंद करेंगे, लाइट जलती जाने देंगे कि कोई यहाँ पर बुजुर्ग वगैरह आते हैं तो वो उनको लाइट जलाने में मुश्किल ना, क्योंकि कुरान वगैरह कुरान पाक की तिलावत करनी होती है तो उनको नहीं पता होता कौन सा बटन है, वो फिर महरूम ना रह जाए। कोई आएगा तो बाद में बंद कर देगा लाइट। ये देखें, ये मकोड़े वगैरह भी सुबह सवेरे, ये जनाब देखें, ये गंदुम के, ये देखें गंदुम के दाने का वजन इनके अपने वजन से ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये जा रहे हैं अपने घरों को। पता नहीं कितना सफ़र करते हैं ये, और एक साल का स्टॉक कर लेते हैं, और इनकी तादाद भी कई लाखों में है। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अभी मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, ये देखें सारा जंगल ही जंगल है। ये जो दरख्त है इसे हम जाल का दरख्त कहते हैं, और इसे पीलू भी कहते हैं, पीलू का दरख्त भी कहते हैं, ठीक है। आजकल इस दफ़ा सर्दी बहुत पड़ी थी, तो सर्दी की वजह से इस पीलू को जो है ना वो पीलू लग नहीं सकी। यह आप यहाँ पर एक छोटी सी पीलू आपको भी मैं दिखा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर नज़र आई है, ये देखिए।
ये देखिए, ये देखिए, अगर ये पक जाती तो बहुत ही मीठी होती है और इसके रंग बिरंगी होती हैं। किसी दरख्त पर कौन सा रंग होता है, किसी पर कौन सा रंग होता है, किसी पर रेड होता है, किसी पर ग्रीन होता है। अभी मैं आके आपको ये मैं अपने दादा की कब्र दिखाता हूँ। ये है जी मेरे दादा की कब्र और ये मेरे दादा के भाई की कब्र, ठीक है जी। वो सामने ये सारे मेरे वो कजन है, उनकी ये कब्र। उसी तरह ये सारे हमारे जो है ना वो खानदान की कब्रें, ये आप देख सकते हैं। ये दरख्त देखें कितने झाड़ियां हैं, जंगल है, बहुत पुराने दरख्त हैं ये। ये देखें पहले यहाँ पर इस इलाके में सिर तरह के जंगल हुआ करते थे, यही जाल के जो है वो, इसी जाल इसलिए कहते हैं कि आप देखें ना ये दरख्त जो है ना जाल की तरह ये फैला हुआ है, तो इसलिए जाल का दरख्त कहते हैं। हमारी जबान में तो इसे जाल का दरख्त कहते हैं, दूसरे पता नहीं क्या कहते होंगे। अगर आपको मालूम है तो उसको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अभी हम वापस चलते हैं।